भगत सिंह को लेकर ट्रेलर में तो बहुत ही कमाल का प्रोपेगेंडा किया गया है, जिसमें महेश मांजरेकर ने भी ये कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि रणदीप हुडा चाहते हैं कि सावरकर और जो है भगत सिंह को जो है एक इस सीन में इकट्ठा दिखाया जाए। हो जाओ, और मुसलमान जो है तब भी धर्म परिवर्तन ही कर रहा होता है उनकी नज़र में, और उस तरह तो स्वतंत्र वीर सावरकर का ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर मार्केट में है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, और ट्रेलर में करीब 3-3.5 मिनट में आपको जो है एक नया प्रोपेगेंडा देखने को मिलेगा। हमने टीजर पे बात नहीं की थी क्योंकि वो फैक्चुअली इनकरेक्ट था, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कांग्रेस को स्लैम कीजिए, आपको किसी सियासी जमात या किसी फ्रीडम फाइटर से प्रॉब्लम है तो आप उसको जो है बुरा बनाइए, इवल बनाइए, इवन गांधी को भी गाली दे दीजिए, आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन एक तबके विशेष को, एक कम्युनिटी को जो अब आप बार बार टारगेट करने की कोशिश करते हैं और खास तौर पर इलेक्शन के आसपास उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमको इस पर रिव्यू करना जो है वो लाजम हो जाता है। टीजर के ऊपर जिस तरह का बैकलैश देखने को मिला, चंद्र कुमार बोस जो कि सुभाष चंद्र बोस के पोते हैं, उनको इस बात पर रिएक्शन तब भी देना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप सुभाष चंद्र बोस को किसी भी तरह से वीर सावरकर या स्वतंत्र वीर सावरकर या माफी वीर सावरकर से ना जोड़ें, तो उस वक्त भी आपको ये चीज़ें वो सुनने और देखने को मिली। उसके बाद आज फिर ट्रेलर के बाद उन्होंने कहा है कि वो कभी भी उनकी इंस्पिरेशन नहीं थे, सावरकर कभी भी सुभाष चंद्र बोस के इंस्पिरेशन नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस एक सेक्युलर लीडर थे और वो स्वामी विवेकानंद के जो है फॉलोअर थे या उनको अपना मेंटोर मानते थे। उसके अलावा खुदीराम बोस को लेकर भी बात हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है सावरकर से इंस्पिरेशन ली, हालांकि जब सावरकर की उस किताब से इंस्पिरेशन ली, पर्टिकुलरली सावरकर की किताब 1909 में छपी थी और सावरकर 1908 में खुदीराम बोस जो हैं वो शहीद हुए थे। उसके अलावा भगत सिंह की बात हो रही है और अब भगत सिंह को लेकर ट्रेलर में तो बहुत ही कमाल का प्रोपेगेंडा किया गया है, जिसमें महेश मांजरेकर ने भी ये कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि रणदीप हुडा चाहते हैं कि सावरकर और जो है भगत सिंह को जो है एक इस सीन में इकट्ठा दिखाया जाए, जो कि इम्पॉसिबल, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल था। और क्योंकि भगत सिंह जिस वक्त जेल थे 1929 में वो जेल गए और वो थे भी बहुत अलग जेल में, तो कहीं से कहीं उनकी कभी मुलाकात वाली बात ही नहीं थी और वो हमेशा से क्रिटिक भी रहे हैं ऐसे लोगों के जो कम्युनल लाइन्स पर देश को डिवाइड कर रहे थे या जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन देश की फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं था। ये भगत सिंह का स्टैंड भी था, ये बोस का स्टैंड भी था। बहरहाल ये फैक्चुअल बातें हैं, इन पर तो आपको बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें बताएंगे आगे भी, मुझे यकीन है आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। ध्रुव भैया जो हैं ज़रूर आ जाएंगे मार्केट में, और ये जो अभी भक्त अपनी हिस्ट्री व्हाट्सएप हिस्ट्री आपको सुना रहे हैं और जो है गागा हो रहे हैं, इनको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। ध्रुव और बाकी कंटेंट क्रिएटर्स आपको मालूम है जो फैक्ट्स पर बात करते हैं, लेकिन मैं ट्रेलर की बात करूँगा। ट्रेलर को लेकर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रेलर के अंदर वो सब है जो किसी भी इलेक्शन होने से पहले हिंदुस्तान में आजकल हो रहा है। और ट्रेलर जब मैंने देखा और ट्रेलर की शुरुआत में जिस तरह से एक तरह का एक सेक्युलर सावरकर दिखाया गया है, उसके बाद कुछ ही सेकंड्स के बाद सावरकर अपने रुद्र रूप में आते हैं और उस रुद्र रूप में फिर वो कुछ ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें कहते हैं कि उससे साफ पता चलता है कि ये एक दो कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने की कोशिश है, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को विलिफाई करने की कोशिश है। और इसी विलिफिकेशन के बीचों बीच गांधी, ईवल गांधी भी नज़र आते हैं। ईवल गांधी इन सेंस नहीं कि वो कुछ बुरा करते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि ये भी एक ईवल इंसान है। गांधी को पोर्ट्रे करने की कोशिश इनकी ईवल बहुत देर से चल रही है। और ये जो लोग गांधी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने पाकिस्तान बनवा दिया, वो कभी सावरकर या जिना को जो है कटघरे में खड़ा नहीं करते, पाकिस्तान वाले जिना को कटघरे में खड़ा नहीं करते और ये सावरकर को कटघरे में खड़ा नहीं करते, क्योंकि ये दो लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं इस डिवाइड को क्रिएट करने के। और आज भी मरने के बाद भी ये लोग वो डिवाइड जो है वो जारी रखें, उस पर काम कर रहे हैं। बहरहाल उस काम को आज किसी और के ज़रिए कराया जा रहा है, जिस तरह से रणदीप हुडा के ज़रिए आज ये काम हो रहा है। रणदीप हुडा इसी ट्रेलर के अंदर जब आपको दिखते हैं तो उसमें एक जगह पे वो जेल के अंदर बैठे होते हैं, जहां पर जेल के अंदर उनको अचानक से नज़र पड़ती है एक फ़ौजी जो है, एक ब्रिटिश आर्मी मैन, मुस्लिम ब्रिटिश पुलिस वाला जो है वो लाइन में कुछ लोगों को खड़ा करके कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, तब जो है उसके बाद उनको वो खाना देता है। और वहीं एक और चीज़ उसके अंदर है कि
सावरकर सिख भाइयों से, अपने सिख भाइयों से जो ब्रिटिश फौज के अंदर है, उनको कहता है कि आप बगावत के लिए तैयार हो जाओ। और मुसलमान जो है तब भी धर्म परिवर्तन ही कर रहा होता है उनकी नज़र में, और उस तरह से उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है कि धर्म परिवर्तन ही करना है। और उसके बाद फिर इस तरह के डायलॉग्स के सल्तनत बनाना चाहते हैं, कौन सल्तनत बनाना चाहता है, मुगल सल्तनत वापस बनाना चाहते हैं, मतलब एक तरह से वो प्रोपोगेंडा कूट कूट के इसमें आपको भरा हुआ नज़र आ रहा है। और फिर जो है एक लेवल आगे चले जाते हैं जब कहते हैं कि फ़ौज ज्वाइन कर लो उनको डिफेंड करने के लिए, और उसके बाद ये बाद में हम डिसाइड करेंगे फ़ौज जब आप ज्वाइन करेंगे, अपने लोगों से कहते हैं, हिंदू महासभा के लोगों से कहते हैं। और हिंदू महासभा के बारे में बोस का ये साफ तौर पे कहना था, उन्होंने एक स्पीच में कहा था कोलकाता वेस्ट बंगाल में, उन्होंने एक स्पीच में कहा था कोलकाता वेस्ट बंगाल में कि त्रिशूल लेके भगवा पहने जो लोग आपके दरवाज़ों पे वोट मांगने आ रहे हैं, आप इनसे बच के रहिए, ये कभी भी देश के इंटरेस्ट में नहीं है। जिना और सावरकर जैसे लोग जो हैं कभी भी फ्रीडम स्ट्रगल का कोई अच्छा बेहतर उसका नहीं कर सकते, उसका हिस्सा नहीं बन सकते, ये उनका कहना था। बहरहाल वो चीज़ें भी आप जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए एक सीन इसमें नज़र आता है कि आप हथियार उठाइए, फिर देखना है हमको कि बंदूक की नली किसकी तरफ होगी, और बंदूक की नली उन्हीं की तरफ होगी जो मुगल सल्तनत बनाना चाहते हैं, और मुगल सल्तनत कौन बनवाना चाहते हैं, जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस तरह का एक वो ट्रेलर में ही साफ दिखाई देता है। ये ज़्यादा जो है मुस्लिम्स को विलिफाई करने की ये कोशिश है बजाय इसके कि सावरकर को एक हीरो साबित किया जाए, जो मैं ट्रेलर में देख रहा हूँ। अब फिल्म के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ट्रेलर अपने आप में अपनी कहानी बता ज़रूर रहा।